लेते रहेंगे। युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। जो ही लेकिन मेरा पहला दिन था, आप सब आए, हम आपने सपोर्ट करेंगे जी। पहला असाइनमेंट है, देख लो पूरा होते चलो आपको बताइए जी। पहला दिन लोगों का जो काम है मैं सीएम साहब तक जरूर पाए, मेरा पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि आप लोगों का मैटर मैं ज्वाइन कर 6000 रुपए तनख्वाह दे दी बाप खुद को तो खुशी दी जी लड्डू बन रहे हैं मंत्री का मैंने तो जिम्मेवारी दी है मैंने तो चलो जिम्मेवारी तो काम करने की तेरी जिम्मेवारी बड़े भाई जिस तरह मंत्री हमारा का नहीं देखे तो 2 महीने बाद मन भी कौन देखेंगे भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल यही बात रहेगी जी। एक बात सुनो मैं आया था तुम्हें तो आपकी मैंने उम्मीद किया था मैं आप ये जो बात है मैं सीएम साहब आकर जरूर बस यही बात चाह रहा हूं उसके खिलाफ मैं मोम देखो नहीं पर लेकिन मंत्री कौन बने इस बात नंबर जो हमारा को समाधान होगा तुम विधानसभा का पहला समाधान होगा देखे साहब इसको पंचायत नंबर लिए भाई पंचर नंबर लिख दे भाई पंचर में लिख दे भाई क्या फोन ला ले तेरा आई तो नहीं जी के आई तो नहीं के नहीं तो ये कह रहा है पंचायत ऑपरेटर लगाए गए ना जी उनको भी पता है सीएम साहब भी या तो ये करो कि वाला बिल्कुल ऊपर लो भी पता है तो बताए थे ना नहीं तो चला कोई ऐसी भर्ती करी नहीं या तो ये कह दे सीएम साहब अरे अगर हमारा समाधान कर दे 6000 रुपए में कौन घर चला लेगा जी। सर वो तो सिर्फ ये बात कह के टाल देना 4 महीने हो गए जी मैंने 4 महीने हो गए एक कोई सुनवाई को लेना कोई गलत नहीं एक ज्ञापन ना मेरा नाम कर दीजिए और आयुष विधायक का नाम कोई बात नहीं आलो आएगा कई बार कोई होगा टाइम अच्छा तो देखो चेंज करो मैं आपके साथ ले लूँगा लेकिन आप ना मेरे तो दे दूँगा आपकी मांग जो है नहीं मैं एक बार बता दें मांग तो ज्यादा होगी जी दो दो बार की दाम दीजिए मनरेगा की मजदूरी भी मारता ज्यादा है जी मनरेगा की मजदूरी भी मारे से ज्यादा है जी कोई कह बैठा नहीं है इस तरह का कोशल का शुरू कर देंगे कम से कम 17000 तो मिलता है लेकिन जो जिनका करना नहीं हो या बात तू ज्वाइन कर 6000 मेरी बात सुनो 5 साल तक वेट कर ला रहे नौकरी का आई भी नहीं होती उम्मीद के ब्रांड नौकरी ना लेकर मैं पूरी मैं कर रही हूं मैं टाइम लगता है मंत्री साहब नहीं कर उनका फर्ज था यू नो कम टाइम निकालने देख तो एक बार देखना तो था जी हर वहां है जो पूरा गांव में अपने रिकॉर्ड बढ़िया हर एक गांव में बैठे हैं जी हर एक गांव में एक एक बंदा एक बैठने से नहीं आ रहे पब्लिक डीलिंग हम कर रहे हैं जी हर एक फोन नंबर जो हमारे साथ हमारे उस पे जी कम से कम 100 बंदे आते हैं डेली 400 बंदे आते हैं जी आप जब भी आओ आपका दफ्तर है एंड आओ बैठो यहां कोई बात करने मत करो कोई दिक्कत नहीं और आपकी जो भी मांग होगी भाई आपका भाई बैठा धन्यवाद।